नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। दूसरे राज्यों से आए 14 मजदूरों में मिला कोरोना संक्रमण। दुर्ग कवर्धा में बढ़ाई गई सतर्कता। छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हो गई है। घर लौट रहे मजदूरों के लिए सोनिया गांधी ने किया बड़ा ऐलान। भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस पार्टी मिलकर सभी मजदूरों को वापस लाएगी। सोनिया गांधी ने कहा 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहला देने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर चलकर पैदल घर वापस जा रहे हैं। सोनिया गांधी की घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये घोषणा मानव सेवा की कांग्रेसी विचारधारा और परंपरा को रेखांकित करती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोटक से जैसे हम बच्चों को लाए हैं, सरकार और कांग्रेस पार्टी मिलकर सभी मजदूरों को वापस लाएंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस कर्मियों के नाश्ता और भोजन की दरों में हुई वृद्धि। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए गृह विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों के नाश्ता की पूर्व स्वीकृति दर 15 रुपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति प्लेट कर दिया गया है। इसी तरह दोपहर के भोजन की पूर्व स्वीकृत दर 30 रुपए से प्रति प्लेट बढ़कर 50 रुपए प्रति प्लेट और रात्रि के भोजन की पूर्व स्वीकृत दर 30 रुपए प्रति प्लेट को बढ़ाकर दैनिक व्यय सीमा 70 रुपए किया गया है। वर्चुअल समिट में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोविड-19 से लड़ाई पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के तरीकों पर चर्चा के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट के वर्चुअल समिट में भाग लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बैठक भारतीय समय अनुसार लगभग 4:30 बजे होगी और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा श्रमिकों से ना ले ट्रेन के टिकट का किराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से अपने गृह स्थान की यात्रा करने वाले प्रवासी कामगारों से किराया ना लें। सोनिया गांधी को केंद्र सरकार का जवाब। प्रवासियों को पहुंचाने के लिए राज्य से सिर्फ 15% किराया ले रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मामले में सोनिया गांधी के आए बयान पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया है। रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि मजदूरों के टिकट के लिए सिर्फ 15% रुपए ही लिए जा रहे हैं, वह भी राज्य सरकार भुगतान करेगी। विराट कोहली ने किया हंदवाड़ा में शहीद जवानों को सलाम। बोले देश आपका बलिदान नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को भारतीय क्रिकेटरों ने किया सलाम। विराट कोहली हो या फिर गौतम गंभीर, सभी ने ट्वीट कर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। जावेद अख्तर का लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने पर आया रिएक्शन। जावेद अख्तर ने लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने पर ट्वीट किया है और इसके नतीजे विनाशकारी आने की बात कही है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।